बच्चों के हकूक के लिए भी वजारत बनाई जाए। तहरीके इंसाफ की MPA शमसा अली का अपनी ही हुकूमत से मुतालबा। नई वजारत के क्याम का बिल पंजाब असम्बली में जमा करा दिया। सुबह भर में यतीम बच्चों के लिए कभी भी कोई कानून साजी नहीं की गई। मजीद तफसला जानेंगे। इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक बाजवा, आगाह कीजिएगा, बिल में मजीद किन अहम नकात की तरफ निशानदही की गई है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली शमसा अली ने पंजाब में बच्चों के हकूक के लिए अलग वजारत का क्याम का मुतालबा किया है। इस हवाले से प्राइवेट जो बिल है वो पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया है, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि सूबे में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए नई वजारत का क्याम अमल में लाया जाए। इसको दी पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्ट 2019 के नाम से पुकारा जाएगा। पाकिस्तान में यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक नौजीदा बच्चों की अमवात में शरह खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। पंजाब समेत पाकिस्तान भर में यतीम बच्चों के लिए कभी कोई कानून साजी नहीं की गई। इन बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए कोई नहीं अपनाता। नई वजारत बच्चों के हकूक, उनकी सेहत, तालीम और दीगर मामलों को देखेगी, जबकि नौजीदा बच्चों की अमवात में कमी लाने के इकदाम किए जाएंगे। बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं, जबकि उनकी परवरिश भी ठीक नहीं होती। अक्सर बच्चे जहनी तौर पर कमजोर हैं और उनको तालीम के मौके भी कम हैं। सूबे में बच्चों की कसीर तादाद स्कूलों में नहीं जाती। इन तमाम का अहाता करने के लिए जरूरी है कि बच्चों के हकूक के लिए अलग वजारत का क्याम अमल में लाया जाए। ये बच्चों के हकूक के लिए भी वजारत बनाई जाए। तहरीके इंसाफ की MPA शमसा अली का अपनी ही हुकूमत से मुतालबा। आगाह कर रहे थे इखलाक बाजवा, शुक्रिया आपका।